अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं करें। वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपका विकास। आज मैं आपको जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ उसको बहुत आप लोग ध्यान से पूरे वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट और मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि सर आप इधर उधर की वीडियो बना रहे हैं और प्रोजेक्ट और क्या कहते हैं प्रैक्टिकल की वीडियो नहीं बना रहे। तो आज मैं टॉपिक इसी भी कवर करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ओ लेवल प्रोसेस जुलाई 2017 एग्ज़ाम प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट। तो आज मैं इसकी पूरी डिटेल में जानकारी देने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, चाहे वीडियो को डाउनलोड करके 10 बार सुनिएगा, उसके बाद ही कुछ मैसेज या रिप्लाई कीजिएगा अगर समझ में ना आए। तो मैं पूरी चीज़ें कवर करूँगा इसमें, क्या पेपर होना है, कैसे होता है, सब कुछ बताऊँगा और क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्या जमा करना पड़ता है, क्या नहीं। तो पूरा आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद बताइएगा कि क्या कमी रह गई है या समझ में नहीं आया। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या चीज़ है, जैसे कि एनआईटी ने प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे प्रैक्टिकल के बारे में बताया गया है, दी स्टूडेंट हैव टू डिवोट हाफ ऑफ टोटल टाइम अलॉटेड टू ईच मॉड्यूल ऑफ द कोर्स ऑफ द प्रैक्टिकल सेशन। प्रैक्टिकल असाइनमेंट हैज वर्क आउट फॉर ईच थ्योरी मॉड्यूल। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस M1 R4, M2 R4, M3 R4 एंड M4 R4 मॉड्यूल ऑफ ओ लेवल कोर्स। तो इसमें बताया गया है कि प्रैक्टिकल आपका जो होता है वो 4 पेपर देने के बाद आपको देना होता है, प्लस आपका जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके जो सिलेबस है आपका M1 M2 M3 R4 और जो ऑफलाइन वाला है उसी बेस पे ये प्रैक्टिकल आपका लिया जाता है। प्रैक्टिकल आपका एग्जाम सेंटर जाता है, उसका बाकायदा आपको फॉर्म भरना पड़ता है, 300 रुपये पेमेंट करनी पड़ती है, प्लस आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपकी डेट आ चुकी है 28 और 29 जुलाई 2017 को आपका प्रैक्टिकल की डेट है। तो जो लोग अप्लाई किए हैं या अभी तक नहीं किए तो 10 मई से पहले अप्लाई कर दें। 300 रुपये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अपने लॉगिन पोर्टल में जाके, उसके बाद आप सिलेबस देख लें क्या दिखा दिया गया है कि M1 M2 M3 और M4 जो आपके 4 पेपर हैं उन्हीं में से आपके क्वेश्चन इनमें पूछे जाते हैं। अब वो क्वेश्चन आपके लिखने को आते हैं, 5 करीब 4 या 5 क्वेश्चन, आप 5 क्वेश्चन मान लीजिए मिलते हैं तो उसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो वो आपके इसी सिलेबस में रहते हैं जो आप पेपर दे के आए होंगे, उसी से उन्हीं में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि सर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिकल में आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट के बारे में बात बताते हैं कि प्रैक्टिकल में आपका कुछ भी करवाया जा सकता है। मान लीजिए हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है, हर डिस्ट्रिक्ट या ज़िले के हिसाब से कि वहाँ का इंस्टीट्यूट कैसा है और वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो जैसा कि कई स्टूडेंट सुनने को मिलता है कि वहाँ पे उनका प्रैक्टिकल भी करवाया गया है कंप्यूटर पे, तो जैसे कि बताया जाता है तो आपको दिखा देते हैं कैसे क्या क्या आपको करवाया जा सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपसे कह दिया जाएगा कि आपको किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना है एक्सेल वर्कशीट पे, तो एक्सेल आप लोग जानते ही हैं। फिलहाल तो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई नहीं है कि आपको कैसे शीट वगैरह डिज़ाइन करनी है, मैं बना दूंगा उसको वीडियो बाद में, पहले समझ लें पहले, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी काम तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड आ गया है प्रैक्टिकल का और आपको देने जाना है 28 या 29 को, तो प्रिपरेशन के लिए आपको कैसे करना है वो आपको बताया जा रहा है। तो मैं जैसे बता दिया आपको कि क्वेश्चन जो आपका होगा पेपर वो आपका इसी तरह से होगा, सेंटर जाएगा बकायदा, और उसके बाद भी अगर मान लीजिए आपको बोला जाता है कि आपको प्रैक्टिकल भी देना है, वो वैसे बेसिकली डायरेक्ट स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, फिलहाल कभी कभार करवा लेते हैं वैसे होता नहीं है, वो सिर्फ इंस्टीट्यूट वाले कैंडिडेट को ही प्रैक्टिकल करना होता है, क्योंकि उनका तो सब काम जो होता है इंस्टीट्यूट से होता है, उनको जाना पड़ता है डेली कोचिंग वगैरह, डायरेक्ट वाले को तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ बस ये है कि SC वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनका कोचिंग फ्री होता है तो वो लोग इंस्टीट्यूट जाते हैं। तो मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि आपको यहाँ पे
किसी स्टूडेंट की मार्कशीट डिजाइन करनी है तो आपको एक्स्ट्रा सीट पे मार्कशीट डिजाइन करनी पड़ेगी। यहाँ आपको 5 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, उसके नंबर सब्जेक्ट वाइज लिखने पड़ेंगे और टोटल करके यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो ये आपको मैं बता बना कर दिखा दूँगा कैसे बनती है मार्कशीट, कैसे टोटलिंग की जाती है। तो ये सिंपल सा प्रोजेक्ट होता है, प्रैक्टिकल होता है आपका। दूसरा चीज़ है, अगर आपसे बोल दिया जाएगा कि सी प्रोग्राम जो होता है आप लोग जानते होंगे, सी अभी इस समय सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं सिस्टम में, तो आपको बोल दिया जाएगा कि प्रोग्रामिंग आपको करनी है, तो आपको कोई भी प्रोग्राम दे दिया जाएगा एक बनाने के लिए, वो आप लोग प्रोग्राम डिजाइन कर लेंगे। बस यही प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है, कोई कठिन नहीं है। जब आप 4 पेपर निकाल सकते हैं तो प्रैक्टिकल आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, इसीलिए मैं आज पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आप आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकल में क्या होता है क्या नहीं होता है। ये भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको बता देते हैं चलिए कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के बारे में NLD ने क्या 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 कहा है, कैसे क्या होना है। तो डोएक सर्कल एज ए प्रोजेक्ट हैज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओ लेवल कोर्स। द प्रोजेक्ट इज कैरिड आउट बाय द स्टूडेंट अंडर गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ फैसिलिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ फेल्ड एट सच एज प्रोजेक्ट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू अप्लाई हिज नॉलेज एंड स्किल टू रियल लाइफ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग ओरल एंड रिटेल कम्युनिकेशन स्किल एंड एज सच द प्रोजेक्ट शुड बी गिवन अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस एंड प्रायोरिटी बोथ बाय स्टूडेंट एज वेल एज इंस्टीट्यूट। फैसिलिटी पब्लिक मैनेजमेंट इज ए रेस्पेक्ट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन प्लानिंग कुछ है नहीं बेसिकली ऐसे एन इम्प्लीमेंटेशन भी आपको समझा देते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इसमें दोनों का सिस्टम अलग है, इंस्टीट्यूट का सिस्टम अलग है और जो डायरेक्ट स्टूडेंट है उनका सिस्टम अलग है। तो आप लोग समझ लें कैसे क्या करना है जिससे आपको दिक्कत ना हो। द एम ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू गिव द स्टूडेंट एन एडिशनल हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन सॉल्विंग ए रियल लाइफ प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग नॉलेज एंड स्किल गेन्ड ऑन कॉम्प्लिकेशन ऑफ थ्योरी पेपर इन ए कोर्स एट ए गिवन लेवल। इट प्रोवाइड्स एन ओकेशन ऑफ स्टूडेंट टू डेवलप रिटन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोजेक्ट एंड हेल्प स्टूडेंट टू रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम मैनेजमेंट ऑनरशिप ऑफ टास्क टू वर्ड्स डिलीवरेबल इनोवेशन एंड एफिशिएंसी इन टास्क मैनेजमेंट ए पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल। इट्स आल्सो प्रोवाइड ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू बिल्ड इनहेंस एंड सस्टेन हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल कंटेंट एंड परफॉर्मेंस एंड इवॉल्व्स ए प्रॉब्लम सॉल्वर। तो ऐसा कुछ खास नहीं दिया गया, आप लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ खास नहीं बताया गया है। फ्रेम ऑफ माइंड इन द स्टूडेंट इट इज आल्सो फेल्ट that taking up the project by a student prepare him for a job industry and elsewhere. O level project submission, तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबमिशन का क्या है वे आपको बता देते हैं। ये तो हम आपको दिखा देते हैं जो NLT ने प्रोवाइड किया है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो O level project submission, the project should be original of real life value and not topic copies for exciting material for any other source and a certificate to be effectively countersigned by the supervisor will be submitted to the Doic society. At O level no mark are assigned to the project however the candidate are यहाँ दे दिया गया कि अगर आपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया गया तो आपके मार्कशीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी, तो इसलिए आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना जरूरी रहेगा। तो फॉर्मेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट रनिंग द एक्रीडिएट कोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाइल द कैंडिडेट इज एन एम्प्लॉय प्रोफार्मा ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज गिवन लो। तो ये आपको एक प्रोफार्मा फॉर्म होता है, जो लोग डायरेक्ट स्टूडेंट हैं उनको ये फॉर्म भरना पड़ता है। तो आपको दिखाया था किस तरह का इसका इस ये फॉर्म आपको PDF में मिल जाएगा लिंक में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दे सकते हैं, ये कुछ इस तरह का फॉर्म होगा, भी आपको PDF में दिखा देंगे इसमें क्लियर नहीं होगा। तो ये फॉर्म जो प्रोजेक्ट के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, प्लस इसमें साइन वगैरह करके इंस्टीट्यूट से आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूट हो तो वहाँ से आपको ये ड्यूली साइन करवा के NLT को सबमिट करना पड़ेगा दिल्ली में।
तो ये तो थी बेसिक जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी, और हम आपको डिटेल में बता देते क्या प्रैक्टिकल बनाना है, कैसे बनाना होता है, क्या सबमिट करना होता है, कहाँ सबमिट करना होता है, क्या परफॉर्मर लगाना है, क्या नहीं लगाना है, वो आपको बताते हैं। तो चलिए पहले आपको फॉर्म दिखा देते हैं पीडीएफ में। तो कुछ इस तरह से परफॉर्मर फॉर्म होता है, दिस इज़ टू सर्टिफाई डेट दी प्रोजेक्ट वर्क डन एट, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट डन एट इंस्टीट्यूट का नाम, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट डाल दें, प्रोजेक्ट टाइटल डाल दें, अपना नाम, एनएलटी रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब आपको डालना है, सिग्नेचर, नेम, ये सब जितनी डिटेल दी है, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन जहाँ से आप साइन करवा रहे हैं इसमें, एड्रेस वगैरह, और इंस्टीट्यूट गाइड अगर नहीं है तो इसके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ गाइडेंस सुपरवाइजर टू बी अटेस्टेड, तो यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी क्वालिफिकेशन की लगानी है आपको। तो ये आपको प्रोफार्मा है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, और इसको साइन करके आपको एनएलटी भेजना पड़ेगा। तो अब हम आपको बता देते हैं कि क्या लिखना होता है, ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो सब बेसिकली हम आपको बता दें, सबसे पहले इसमें दो तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं। तो पहला आपका जो बना सकते हैं आप सी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इसमें आपको सिंपल से 15 से 20 प्रोग्राम आपको लिखने होते हैं, चाहे तो वो आप एक्सेल पे बना के सी डी में बन करके सबमिट कर सकते हैं, या स्लाइड बना के कर सकते हैं, बेसिकली लिया नहीं जाता है, बेसिकली आपको फाइल पे ही बनाना होता है, ब्लैंक पेपर पे आपको, वाइट पेपर पे आप लेके उसमें अपने हाथ से लिखें तब आप सबमिट करें, ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, आप उसको दे सकते हैं, उसमें से भी प्रोग्राम आप ले सकते हैं। बाकी अभी आपको हम दिखा देते हैं कहाँ से प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे सारे, और करीब आप 15 से 20 प्रोग्राम मान लीजिए, 20 प्रोग्राम आपको अलग अलग पेज पर लिखने होते हैं, उसको फिर आपको साइन कराना, कैसे क्या कराना वो बताते हैं। तो मान लीजिए आपने सी प्रोग्राम आप बना रहे हैं, तो सी प्रोग्राम आपने बना लिया, प्रोग्राम पहले आपको दिखा दें कहाँ से मिलेगा। मान लीजिए आप सी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आपको एक वेबसाइट बताते हैं, तो ये देख लीजिए, इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, प्रोग्राम इमेज सी प्रोग्राम एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आप टॉपिक भी चूज़ कर सकते हैं, टॉपिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटल आपको यहाँ पे सी लैंग्वेज के जितने प्रोग्राम हैं आपको सब मिल जाएंगे, जितने आपके ओ लेवल के कोर्स में है, जिसका लिंक मैं दे दूंगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो ढूंढने में। तो ये जितने ही प्रोग्राम आपको दिख रहे हैं इनमें से आप कोई भी 20 प्रोग्राम लेके बना सकते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए आपको आपके सिलेबस से भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे लगभग। हेलो वाला छोड़ दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए सी प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर, ये भी अच्छा है, सी प्रोग्राम टू फाइंड द साइज ऑफ फ्लोट इंटीजर कैरेक्टर, और ये वेदर और नॉट इवन वॉवेल, ये सब क्वेश्चन आपके चैप्टर में है, इवन फैक्टोरियल नंबर जनरेट मल्टीपल टेबल, सी प्रोग्राम टू रिवर्स नंबर, ये बना सकते हैं जो जो आपको प्रोग्राम अच्छा लगे, आर्मस्ट्रांग नंबर, फैक्टोरियल डिस्प्ले, जैसे मान लीजिए आपको दिखा देते हैं कैसे लिखना है, जैसे कि मान लीजिए सी प्रोग्राम टू रिवर्स नंबर है, इस पर राइट क्लिक करके ओपन करते हैं, तो किस तरह से आपको लिखना है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। रिवर्स नंबर बेसिकली होते क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 लिखा, तो उसका उल्टा आपको टाइप कराना होता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको पूरा एकदम एग्जांपल आपको मिल जाएगा, ये आपको कॉपी में नोट कर लेना है। तो ये इस तरह से आपको कोड मिल जाएगा, इसका आउटपुट आप लोग देख लें, एंटर दी इंटीजर आउटपुट भी लिख दिया 2 3 4 5, उसके बाद उसने रिवर्स कर दिया 5 4 3 2। तो इस तरह से आप ये पूरा प्रोग्राम आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें, इसी तरह से जितने भी प्रोग्राम दिए गए हैं इसमें से जो आपको पसंद आए 20 प्रोग्राम आप वहाँ से नोट कर लें। अब इसको सबमिट कैसे करना है वो आपको बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे HTML का प्रोग्राम आप कैसे बना सकते हैं। तो ये तो आपको बता दिया गया कि सी के प्रोग्राम आप कैसे बनाएं, अब भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, वरना पूरा तो मैंने क्लियर कर ही दिया है कि आपको क्या कैसे प्रोजेक्ट सबमिट करना है। बाकी यहाँ से टॉपिक्स से ले सकते हैं कि जो फंक्शन के बनाने हैं या एरे स्ट्रक्चर पॉइंटर जिसके भी बनाए जाते हैं, वहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करके उसी टॉपिक के यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ से प्रोग्राम ले लें। तो ये इस तरह से आपको मिल जाएगा, आपने सबमिट कर दें। तो चलिए ये तो बात की बात हो गई, अब आपको बता देते हैं कि ये तो आपने लिख लिया मान लीजिए 20 प्रोजेक्ट, उसके बाद आप क्या करना है। 20 प्रोजेक्ट लिखने के बाद इसके देखिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आपके यहाँ नज़दीकी जो NLT इंस्टीट्यूट हो
वहाँ पे आप जाएं अपना प्रोजेक्ट लेके, अगर वो राजी हो जाते हैं सबमिट साइन वगैरह करने के लिए, वैसे कर देना चाहिए, वैसे बहुत लोग नहीं करते हैं इंस्टीट्यूट वाले, इसलिए मैंने आपको बता देता हूँ। तो वहाँ पे जाएं आप, सबमिट करें और सब कुछ साइन वगैरह करा के, उसके बाद आप प्रोफार्मा भी आपको लेके जाना पड़ेगा, अपना ये प्रोजेक्ट वगैरह लेके जाना पड़ेगा। वहाँ से साइन वगैरह कराने के बाद आपको फिर वो सब कुछ एनएलटी को सेंड करना पड़ेगा। जैसे ही आप सेंड कर देंगे, 2 महीने के बाद आपका डिप्लोमा ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपकी मार्कशीट नहीं बनेगी। उसके बाद दूसरा क्या तरीका है, एक तो एनएलटी के थ्रू हो गया कि आप डायरेक्ट स्टूडेंट हैं, लेकिन आप एनएलटी को जाके बोल सकते हैं कि सर मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो आपको वहाँ पर चेक कर देंगे प्रोजेक्ट, फिर आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं एनएलटी में। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे कि मैंने कई लोगों से पता किया, तो दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए कोई आपके मित्र हो या भाई बहन जो भी हो, एमसीए स्टूडेंट हो, जिन्होंने एमसीए की डिग्री हासिल की हो, तो आप उनके पास जाके उनका एक रिज्यूम लेना है, मार्कशीट लेनी है जो एमसीए उन्होंने किया है, उनका रिज्यूम मार्कशीट और प्रोफार्मा में उनके सिग्नेचर लेने हैं, और सारे जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा जो आप लिखेंगे वो सारे उनके थ्रू चेक हुए होने चाहिए और उनके साइन होने चाहिए। फिर उसको आपको उनकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, एमसीए की जो उन्होंने की है, और आपका जो प्रोफार्मा और उनका रिज्यूम, ये सब आपको एनएलटी को सबमिट करना होगा। तो दूसरा तरीका ये था आपके लिए। तो प्रोग्राम आप कोई भी बनाए, चाहे एचटीएमएल का बनाए चाहे सीएलएम का, दोनों प्रोसेस यही रहेगा, या तो आप एनएलटी के थ्रू जाके अपना प्रोजेक्ट चेक कराएं, या फिर चेक कराना जरूरी होगा, उसके बगैर आपका वैलिडेट नहीं माना जाएगा। या तो आप एमसीए स्टूडेंट हो, उसके पास जाके आप रिक्वेस्ट करके आप उनका रिज्यूम और मार्कशीट ले लें, थर्ड सेमेस्टर की फोटोकॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, सेल्फ अटेस्टेड उनकी, उनके साइन होने चाहिए और आपके सारे चेक होने चाहिए, प्रोजेक्ट जितने बनाए आपने लिखे हैं 20, वो आपको एनएलटी को सबमिट करना होता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था, मैंने आपको बता दिया। अब आपको बता देते हैं कि एचटीएमएल में है तो आपको कैसे क्या लिखना है। तो एचटीएमएल के लिए एक वेबसाइट आपको बता देते हैं, बहुत बढ़िया वेबसाइट है। एचटीएमएल के लिए ये कोड नहीं है, सिंपल सा है, इसमें वो आपको दूसरी चीज़ बता देंगे, पहले समझा देते हैं क्या कैसे लिखना होता है एचटीएमएल में। तो जो लोग एचटीएमएल का बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के साथ एचटीएमएल का प्रोग्राम कैसे बनाना है, तो इसमें देख लीजिए ये वेबसाइट है क्विक किट। इसमें आपको हेडिंग वाइज मिल जाएंगे, अगर आप फॉर्म के प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, या फॉर्म एलिमेंट के, या इमेज के ऊपर बनाना चाहते हैं, या टेबल पे बनाना चाहते हैं, या टेक्स्ट पे बॉर्डर वगैरह होता है, या लिंक कोई बनाना चाहते हैं, अंडरलाइन, ऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, तो इसमें हर तरह के प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। तो मान लीजिए आप कोई टेबल डिजाइन, बेसिक टेबल के लिए, बेसिक टेबल भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए इसमें बेसिक टेबल का कोड आपके सामने जनरेट होके आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की टेबल बनी बन के आई है। तो ये बगल में देख लें, रन भी आप करके दिखा देते हैं। तो ये यहाँ से आप लोग कोड लिख लें, उसके बाद जब आप रन करेंगे तो इधर इस तरह का दिख जाएगा। और अगर टेबल के ट्यूटोरियल चाहिए तो यहाँ पर टेबल ट्यूटोरियल पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे टेबल के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। अभी लोड हो जाते हैं, आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ बने बनाए टेबल आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्राई इट ऑनलाइन एडिटर पर क्लिक कर दें तो आपको दिख जाएगा, तो टेबल बॉर्डर है, अब उसको देख लेते हैं। मान लीजिए चलिए, तो इसको भी आपको वैसी तरह कॉपी पर लिखना है, तो ये देखिए टेबल बॉर्डर बन जाएगा इस तरह से। तो उसके लिए आपको ये कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये कोड आप अपनी कॉपी पर लिख के, आउटपुट की दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, दिखा देंगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा आउटपुट में। तो इस तरह से टेबल आपकी बन जाएगी। और कोई देखना चाहते हैं तो इसी में से आप कोई 20 प्रोजेक्ट देख लें, टेबल के ले लें, कुछ इमेज के ले लें, अलग अलग तरह के ले लें। बाकी अब आपने जो थ्योरी की बुक है या जो पेपर में जो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे कि एक इस तरह की टेबल हो गई, या कोई रो कॉलम बनाना हो कुछ भी, तो इसी तरह से आप लोग 20 प्रोजेक्ट उस पर बना सकते हैं। और कुछ लोगों ने कहा है कि सर इसको मैंने एनएलटी से कॉन्टेक्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रोजेक्ट सीडी में करके सेंड कर दें, तो मैं वो भी बता देता हूँ वो कैसे आपको करना है। इसके दो देखिए, उसको पहले आप ये आपको समझ में आ गया होगा क्लियर कि एचटीएमएल और सी लैंग्वेज प्रोग्राम कैसे आपको ढूंढने हैं और कैसे लिखने हैं। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, इस तरह की कोडिंग आपको दोनों में एचटीएमएल का ये है, सी लैंग्वेज का ये, मैंने दोनों क्लियर कर दिया। उसके बाद
सबमिट करके मैंने बता दिया, आप एनएलटी की शुरू कर सकते हैं इंस्टीट्यूट में जाके आपके आसपास जो, या डायरेक्ट दिल्ली तो ना जाएं, आसपास के कोई इंस्टीट्यूट में कराएं, या दिल्ली के बाद जो रहते हैं वो जा सकते हैं, या फिर एमसीए का स्टूडेंट हो तो आप उनसे संपर्क करके करवा सकते हैं। उसके बाद क्या चीज़ है, हाँ आपको बताने जा रहे थे, हाँ उसके बाद आपको बताने जा रहे कि जैसे कि आप रिकॉर्ड करके कैसे सबमिट करके भेज सकते हैं, सीडी में बना कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको, जैसे मान लीजिए आप स्लाइड पे बनाना चाहते हैं तो बेसिकली पावर पॉइंट पे आपको प्रोग्राम बनाने डिजाइन करने पड़ेंगे, तो आपको दिखा देते हैं कैसे होता है। तो जितने भी प्रोग्राम लेने उतनी स्लाइड आप ले लें, यहाँ अपना प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में डाल दें, यहाँ से अपना प्रोग्राम आप लिखना स्टार्ट कर दें, तो प्रोग्राम आप लिख के स्लाइड तो उसे यहाँ से इस तरह स्लाइड बना सकते हैं। तो स्लाइड को आप लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो रिकॉर्डिंग के लिए या फिर इसको ही आप सेंड कर सकते हैं, यहाँ सेव एज करके, सेव एज करके आप यहाँ पर कर दें पावर पॉइंट शो, या पावर पॉइंट शो पर जब कर देंगे तो आपका अपने आप स्लाइड टाइप में बन जाएगी। फिर इसको आपको सीडी में बर्न करना होता है, सीडी में बर्न करने के लिए नैरो सॉफ्टवेयर आता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे यूज़ करना है। तो ये नैरो डेटा बर्निंग रोम सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको ये आप फाइल सेव कर लेंगे, इसमें आपको बर्न करना पड़ेगा ब्लैंक सीडी खरीद के, ब्लैंक सीडी आप मार्केट से ले लें, उसके बाद यहाँ पे सीडी सेलेक्ट कर लें, उसके बाद डेटा पे जाना है, मेक डेटा सीडी, बेसिकली आप कॉपी पे लिख लें ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये ऑप्शन आपको कठिन लगेगा क्योंकि ये मान लीजिए आपके पास अवेलेबल नहीं है ये तो सिस्टम नहीं है। यहाँ से आपको जाके अपना जो प्रोजेक्ट आपने कहीं भी सबमिट किया है सेव करके रखा है उसको यहाँ पे ऐड कराना पड़ेगा, उससे नेक्स्ट करते जाएंगे सीडी बर्न हो जाएगी। तो ये तो एक प्रोसेस ये था कि जो लोग ऐसे बनाना चाहते हैं यहाँ पर अपना टाइप करके कंप्यूटर के थ्रू वो अपना बना के सबमिट करके सीडी में भेज सकते हैं। बाकी जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं वो इस तरह से, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं होता, होता सब इसी तरह से, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, पूरे मैंने क्लियर कर दिया, इसलिए लंबी वीडियो कट कर दी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाकी अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।